हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिकेटर्स बच्चों इंडिकेटर का एक डिक्शनरी मीनिंग हम देखें तो उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना व्हीकल्स में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं ये सभी को पता है क्या इंडिकेट करता है जब हम डायरेक्शन चेंज हमें करनी होती है उस टाइम हम इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं या इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं देट मीन्स वो हमारे व्हीकल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो वो किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो वो एक इंडिकेटर है सिमिलरली हमें यहाँ हमारा चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सोल्स तो यहाँ हमें एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन का नेचर हमें इंडिकेट करना है तो यहाँ पर हम जो केमिकल सब्सटेंस लेने वाले हैं वो नेचर को इंडिकेट करेगा दैट्स वाई कॉल्ड इंडिकेटर तो यहाँ पर सिंपल सा जब चैप्टर स्टडी होता है या क्वेश्चन बच्चों को डाउट आते हैं कि मैम ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों तो सबसे पहले तो उस वर्ड के मीनिंग पे जाइए इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है फिर सेकंड थिंग इस पे जाइए कि आप कौन से चैप्टर से उसको स्टडी कर रहे हैं आप एसिड बेस एंड सोल्ट में उसको स्टडी कर रहे हैं तो आपने एसिड बेस एंड सोल्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया सिंपल सा उसके नेचर को इंडिकेट करेगा तो आप इसकी डेफिनेशन बना लीजिए द केमिकल सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रजेंस ऑफ एसिड बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन इज नोन एज इंडिकेटर अब इस सिंपल से डेफिनेशन को बनाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्चुअल माइंड यूज नहीं करते एक जो मगह या रटने की जो टेंडेंसी है उसी को फॉलो करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है लेट्स स्टार्ट इट यहाँ पर इंडिकेटर्स यानी जैसा कि मैंने बताया है विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं डेफिनेशन को इंडिकेटर इज़ ए सब्सटेंस इंडिकेटर indicator, या इंडिकेटर्स कुछ भी कर सकते हैं इज ए सब्सटेंस विच इंडिकेट नेचर ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल और न्यूट्रल इज कॉल्ड इंडिकेटर इंडिकेटर क्लियर तो ये डेफिनेशन हो गई आपके इंडिकेटर की अब चलते हैं कि हम इसको क्लासिफाई किस तरह से करें कितने टाइप के ये क्वेश्चन हो सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो बच्चों इंडिकेटर जो व्हीकल का इंडिकेटर है अब उसको भूल जाइए उसको तो हम विजुअलाइज करते हैं तो एक इंडिकेटर तो ऐसा होगा जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की तो एक इंडिकेटर ऐसा है जिसको हम देख सकते हैं आई से यानी वो विजुअल इंडिकेटर होगा दूसरा ऐसा है जिसके हम स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल से प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं अपनी ऑर्डर से प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो यहाँ हमने क्लासीफाई किया है ऑल फैक्ट्री एंड विजुअल इंडिकेटर्स टू टाइप में जब बच्चे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हो सब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ऑल फैक्ट्री वो हैं जिनकी ऑर्डर या स्मेल को डिटेक्ट करना होता है और विजुअल वो हैं जिनको हम देख पाते हैं तो इसको हम आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम बच्चों सेकेंड वाला लेते हैं विजुअल क्योंकि ऑयल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो विजुअल इंडिकेटर अब विजुअल के नीचे मैंने एसिड बेस इंडिकेटर लिखा हुआ है तो एसिड बेस इंडिकेटर इसलिए है क्यों अपना कलर चेंज करके विजुअल का मीनिंग है कि अपना कलर चेंज करके एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन के प्रेजेंस को इंडिकेट वो करते हैं दैट्स वाई कोल्ड एसिड बेस इंडिकेटर तो यहां पर सबसे पहले हम विजुअल इंडिकेटर लेंगे तो विजुअल इंडिकेटर में आप डेफिनेशन डाल सकते हैं विजुअल इंडिकेटर्स इंडिकेटर विच चेंज देयर कलर विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर जब भी किसी एसिड बेस इंडिकेटर को या विजुअल इंडिकेटर को हम एसिड या बेस में डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो कीप इन माइंड कि इंडिकेटर अपना खुद का कलर चेंज करता है वो सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं करता सपोज कीजिए मेरे पास बीकर है इस बीकर के अंदर एसिड डाला हुआ है और यहाँ पर मैं वन टू या थ्री ड्रॉप किसी इंडिकेटर की मैं डाल रही हूँ ये हमने टू थ्री ड्रॉप किसी इंडिकेटर की डाली है तो वो इंडिकेटर डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है थोरली मिक्स हो गया है और वो इंडिकेटर इस एसिड के अंदर डालते ही अपना खुद का कलर वो चेंज करेगा अब क्योंकि वो पूरे के पूरे लिक्विड में मिक्स हो चुका है थोड़ी तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलरफुल नज़र आता है जबकि वो उस सॉल्यूशन यानी एसिड जो केमिकल सब्सटेंस है इट्स जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल इट्स उनका कलर चेंज नहीं होता वो अपने सब्सटेंस या अपने टेक्स्टर का कलर चेंज करते हैं लेकिन क्योंकि मिक्सिंग है जिस तरह से आप शुगर है शुगर मीठा होता है पानी में डालते ही पूरा पानी मीठा हो जाता है लेकिन हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स की तो वाटर मॉलिक्यूल इट्सल्फ उनका कोई टेस्ट नहीं होता तो वो क्योंकि तो शुगर की प्रेजेंस है शुगर को आप रिमूव कर लोगे तो क्या होगा जो सॉल्यूशन है वो टेस्ट लेस होगा सिमिलरली यहाँ पर जो कलर चेंज होता है वो इन in इंडिकेटर्स का होता है ठीक है तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ अब क्योंकि अपना कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस के अंदर इनका डिफरेंट कलर होता है तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन तो इनको हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर क्योंकि हमने इसका इनको वॉच किया है क्लियर कि एसिड बेस इंडिकेटर भी हैं क्योंकि दीज आर आइदर एसिडिक और बेसिक इट्स सेल्फ एसिड बेस क्योंकि वो एसिड बेस का प्रेजेंस इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए भी बोलते हैं और जो केमिकल सबस्टेंस यानी इनमें से हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर स्टडी करेंगे कुछ लैब में जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं उनको भी स्टडी करेंगे तो जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं वो इट्सेल भी यानी जो केमिकल इंडिकेटर है वो खुद भी या तो एसिड होते हैं या बेस होते हैं क्लियर तो अब चलते हैं हम इनके टाइप्स में विजुअल इंडिकेटर कितने टाइप के हो सकते हैं तो विजुअल इंडिकेटर में जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं यहां पर नेचुरल एंड सेकंड है केमिकल नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारे हैं बच्चों जैसे कुछ फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं रेड कैबेज होता है चाइना रोज हो गया टर्मरिक हो गई और लिटमस हो गया ये सारे एग्जाम्पल्स नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं केमिकल इंडिकेटर की हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज और फनेफथेलिन ये दो इंडिकेटर आपको स्टडी करने हैं या आपके कोर्स में हैं तो आपको अच्छे से इनको करके चलना है तो सबसे पहले हम यहाँ नेचुरल जो है इनके आगे बात करेंगे आप यहाँ केमिकल क्योंकि नेचुरल बहुत सारे हैं केमिकल में जो स्टडी करने वाले हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलिन या फिनोफ्थेलिन जिसको बोलते हैं फिनोल phenol, क्लियर तो ये हो गया हमारे टू जो आर्टिफिशियल या केमिकल इंडिकेटर्स से इनको हमें स्टडी करना है अब यहां पर जो मिथाइल ऑरेंज है चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहां डाल लीजिए आप मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज दिस इज और मैंने इसे ऑरेंज कलर में ही लिखा है ऑरेंज कलर्ड सॉलिड डाई क्लियर तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की एक सॉलिड डाई होती है डाई मीन्स ये कलरफुल सब्सटेंस होता है तो इसको वाटर में डिजोल्व करके लिक्विड फॉर्म में इसको रखा जाता है तो जिससे से जिससे इसका जो कलर है वो बच्चों ऑरेंज से थोड़ा सा येलोइश की तरफ मोह हो जाता है क्योंकि ये डायल्यूट हो जाता है तो हो सकता है कि कंसनट्रेट स्टेट में ऑरेंज भी हो थोड़ा सा या फिर डाइल्यूट कंडीशंस में है तो येलो की येलो साइड में ये होगा तो इस तरह से ये मिथाइल ऑरेंज सॉलिड डाई है अब यहाँ पर इट्स जो मिथाइल और बच्चों ये बेसिक इन नेचर है यानी इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन या बेसिक नेचर कहीं ना कहीं होता है तो अगर बेसिक नेचर है तो बच्चों ये अपना बेसिक के अंदर कलर चेंज नहीं करेगी ये कलर चेंज करेगी अपने से अपोजिट मीडियम में जाकर दैट मीन जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में जाती है तो ये अपना कलर चेंज करती है तो यहाँ पर वैसे ये आपका सिलेबस से इतना रिलेटेड नहीं है कि बेसिक कलर खुद किस नेचर की होती है इतना आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा इतना ध्यान रखना आपको कि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर की एक डाई होती है जिसका नेचुरल कलर हम ऑरेंज या ये येलो बोल सकते हैं और यहाँ पर बेस में ये कोई कलर चेंज नहीं करेगी तो यहाँ पर नो चेंज इन कलर आप लिख सकते हैं नो चेंज इन कलर और आपको नो no चेंज का मीनिंग है कि आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको यहां लिखा हुआ होगा येलो और करके आप लिख सकते हैं यहां पर येलो और ऑरेंज क्लियर तो यहां पर या तो आपको नो चेंज ऑप्शन मिलेगा या फिर येलो और ऑरेंज येलो और ऑरेंज का मीनिंग है कि इट ये ऑलरेडी येलो या ऑरेंज में थी तो अभी भी उसी कलर में है तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा अब चलते हैं थोड़ा एसिड साइड में तो एसिड साइड में बच्चों ये अपना कलर चेंज करती है और इसका कलर होता है या तो आपको रेड मिलेगा या फिर पिंक मिलेगा अब रेड और पिंक दोनों मैंने ऑप्शन इसलिए डाल दें हैं डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन कंसेंट्रेशन के कारण हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो के रेड हो जाए या फिर डायल्यूट हो तो पिंक हो जाए तो डिपेंड ऑन सिचुएशन लेकिन आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ज्यादातर पिंक का ऑप्शन मिलता है तो ये हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज अब चलते हैं हमारे सेकेंड फिनॉफेलिन पे ये हमारा फर्स्ट है देन सेकेंड फिनॉफ थेलीन कलरलेस कलर लेस होता है कलर लेस इट्स सेल्फ इसका कोई कलर नहीं होता है तो यहां पर जो एसिडिक मीडियम है इसमें ये कलर चेंज नहीं करता है क्योंकि फिनेफेरिन इट एसिडिक इन नेचर है तो एसिड एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं नो चेंज इन कलर नो चेंज इन कलर और कलरलेस कलरलेस अब मैंने यहां पर कोई बच्चों को डाउट होगा कि मैम ने न्यूट्रल का ऑप्शन तो डाला ही नहीं बच्चों तो न्यूट्रल में जनरली कोई कलर चेंज नहीं होता है यहाँ मेरे पास अगर कोई स्पेसिफिक होगा कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कर रहा है तो मैं डाल दूंगी जैसे ये कलरलेस है तो ये कलरलेस ही होता है चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में और कई बार जो कलर एसिडिक में होता है वही न्यूट्रल की साइड में चला जाता है या कोई बेस में होता है तो वही न्यूट्रल की साइड में चला जाता है तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंडिकेटर यहाँ पर अब हम चलते हैं बेस के पास फिनेपथलिन खुद एसिडिक नेचर का होता है तो यहाँ बेस में ये कलर चेंज करेगा और ये होता है वही पिंक या रेड आपको मिलेगा अब आप ये देखिए कि ये चीज़ कॉमन है कि दोनों इंडिकेटर्स में सबसे अच्छी बात ये है कि जो कलर चेंज हो रहा है वो रेड पिंक रेड पिंक है तो आपको कोई डिफरेंट कलर याद नहीं करना पड़ेगा तो पिंक और रेड को आप पकड़ के चलिए यहाँ पर पिंक या रेड कलर चेंज होता है क्लियर तो ये दो केमिकल इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं ये दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं हैं अब बात करते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं बच्चों ये फ्लावर प्लांट्स अपने पेटल्स का जो कलर है वो सोयल की पीएच चेंज होने पर उसको चेंज कर लेते हैं किस तरह से देखिए ये कुछ प्लांट है हाइड्रेंजिया पिटूनिया जीरेनियम सोयल का पीएच जब एसिडिक होता है तो इनका कलर डिफरेंट होता है और जब बेसिक मीडियम होता है सोइल का तो कलर डिफरेंट होता है पेटल्स का कलर हाइड्रेंजिया एसिडिक सॉयल के अंदर ब्लू कलर में होता है जबकि बेसिक यानी सॉइल जैसे ही पीएच चेंज होती है एसिड से बेस की तरफ मूव करती है सेवन से अबव जाती है ये ब्लू कलर के पेटल्स का जो कलर है वो रेड पिंक में कन्वर्ट हो जाता है सिमिलरली पिटूनिया का रेड पर्पल होता है एसिडिक मीडियम में और बेस में ये वायलेट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है जिरेनियम का ऑरेंज रेड होता है एसिडिक मीडियम में और बेस में ये कलर ब्लू हो जाता है तो जो सॉयल है उसका पीएच चेंज होने पर और जनरली सोयल का जो पीएच है फर्टिलाइजर्स के कारण चेंज होता रहता है कभी जब एसिडिक रेन हो गई तो सोयल एसिडिक हो जाती है तो इस कारण से एक ही प्लांट के ऊपर हमें डिफरेंट कलर के जो पेटल्स के फ्लावर है वो हमें देखने को मिलते हैं कई बार मिक्स भी होता है क्योंकि पीएच इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि एसिडिक भी हो गई और कुछ टाइम आफ्टर बेस भी हो गई तो फिर जो फ्लावर का कलर है वो एसिडिक और बेसिक यानी जो टू डिफरेंट कलर्स हैं उनका कुछ मिक्सचर सा नज़र आता है तो अब नेक्स्ट हमें जो हमारे पास जो नेक्स्ट है इंडिकेटर उस पर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट है रेड कैबेज रेड कैबेज मार्केट में से लेकर आते हैं हम मम्मी लेकर आती है आपके तो आपको देख किचन में ये देखने को मिल जाती है अब इसका जो कलर है वो ओरिजिनली पर्पल कलर होता है रेड का मतलब ये रेड नहीं होती है थोड़ा सा पर्पल इसका कलर होता है तो रेड कैबेज का जब हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो यहां पर जो एक्स्ट्रैक्ट है वो पर्पल कलर का होता है पर्पल एक्सट्रेक्ट यानी उसका जो जूस हम निकालेंगे वो पर्पल कलर का होगा बच्चों एसिडिक सोइल के अंदर ये होता है रेड या पिंक रेड पिंक एंड बेसिक के अंदर जो कलर चेंज होगा वो होगा ग्रीन चाइना रोज सभी को पता है इट वैसे तो अब चाइना रोज की डिफरेंट जो हाइब्रिड वेराइटीज़ है वो आने लग गई येलो भी होता है ऑरेंज भी होता है व्हाइट भी होता है पर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पिंक फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट या जूस या पेटल्स का जो कलर है वो पिंक होता है पेटल्स पिंक यहाँ पर ये एसिडिक सॉयल के अंदर ये पिंक कलर है और डार्क पिंक होता है डार्क पिंक एंड जो बेसिक सोइल है उसके अंदर या बेसिक मीडियम है नॉट सॉइल बेसिक मीडियम के अंदर ये ग्रीन यानी बेसिक हम बेस के अंदर डालेंगे यहाँ पर हम बेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम एसिड में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके डार्क पिंक या रेड पिंक में कन्वर्ट होते हैं और जैसे ही हम बेस वाले सॉल्यूशन में इनका एक्सट्रैक्ट या जूस डालते हैं तो वो ग्रीन कल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है तो ये हो गया हमारा चेंज इन कलर अब आते हैं बच्चों हम टर्मरिक पर टर्मरिक सभी को पता है येलो कलर में होती है किचन में ये यूटिलाइज होती है अब यहाँ पर ये किस तरह से अपना कलर चेंज करती है न्यूट्रल में ये कोई कलर चेंज नहीं करती अब हम बात करते हैं एसिडिक चे. के अंदर तो एसिडिक के अंदर भी ये अपना कलर चेंज नहीं करती है एसिडिक के अंदर ये येलो कलर की होती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं येलो अब बात करें हम बेसिक मीडियम में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हमारे कपड़ों के ऊपर एक्सीडेंटली अगर सब्जी के दाग लग जाते हैं तो वो येलोइश कलर के होते हैं और जैसे ही उन क्लोथ्स को वॉश किया जाता है और वॉश करने के लिए हम या तो सोप यूज़ करते हैं या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं सोप या डिटर्जेंट बोथ आर बेसिक इन नेचर और जब वो अप्लाई किए जाते हैं तो ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन टर्मरिक चेंज इट्स कलर एंड टर्न फ्रॉम येलो टू डीप ब्राउन तो यहां पर कलर क्या हो गया डीप ब्राउन जिसको हम रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं डीप ब्राउन और रेडिश क्लियर तो यहां पर बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक का कलर चेंज होता है दैट इज द डीप ब्राउन और रेडिश एंड आफ्टर वॉशिंग विद द क्लीन वॉटर इट गेन्स इट्स ओरिजिनल कलर येलो यानी प्रॉपरली हम क्लोथ को वापस से वॉश करके ड्राई करते हैं तो इसका जो कलर है वो येलो ही होता है आफ्टर वॉशिंग मे भी कि कलर थोड़ा सा लाइट होगा बट जो ओरिजिनल कलर है वो वापस से येलो गैन कर लेता है तो ये इंडिकेट करता है कि सम टाइम के लिए हमने शॉर्ट पीरियड के लिए जो सोप या बेसिक सोल्यूशन अप्लाई किया है उस सोल्यूशन के अंदर इसने अपना कलर चेंज कर लिया है तो बेसिक के अंदर टर्मरिक कलर चेंज करती है बट एसिडिक सॉइल और सॉरी एसिडिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ये येलो कलर की ही होती है तो ये हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स अब हम फाइनली एक और इंडिकेटर है हमारा उसकी बात करते हैं दैट इज़ द लिटमस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो लिटमस यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए लिटमस सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये है क्या लिटमस बच्चों ओरिजिनली पर्पल इन कलर पर्पल इन कलर तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है ये पर्पल कलर की होती है देन सेकंड है कि ये कहां से ऑप्टेन होती है इट इज ऑप्टेन इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ए प्लांट नेम लाइकेन एल आई सी एच ई एन लाइकेन इसको बोला जाता है इस प्लांट का नेम है इससे ये ऑप्टेन होती है एंड देट बिलोंग्स टू द डिविजन थेलोफाइटा एल आई सी एच ई एन ये थेलोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करती है जब आप अपर क्लासेस में बौटने को अच्छे से स्टडी करेंगे या मैं भी इलेवन ट्वेल्थ में हो ये थेलो फाइटा ये प्लांट्स की एक फैमिली है जिससे ये बिलोंग करती है तो इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जूस निकाला जाता है और इसका कलर होता है पर्पल तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर ओरिजिनल कलर इज पर्पल इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ए प्लांट एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज लाइकेन एंड दैट इज़ बिलोंग टू थेलोफाइटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन

डाई अपनी या जो भी इंडिकेटर है वो अपना लिटमस है क्या कलर चेंज होने वाला है पर्पल कलर है तो यहाँ पर ये जो एसिडिक मीडियम है जनरली आप सेवन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड और यहाँ पर रेड टू ब्लू जबकि हमने ओरिजिनल कलर क्या लिया है बच्चों पर्पल तो सबसे पहले तो हो सकता है एक चीज़ और इसके बारे में कि ये लिक्विड भी होती है या इसकी पेपर स्ट्रिप्स बना दी जाती है वो लास्ट में मैं इंडिकेट कर दूंगी कहीं पे तो यहाँ पर ये लिक्विड जूस हमने निकाला है तो या तो इसकी ड्रॉपर से ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड थिंग ये पेपर के ऊपर इसको एब्जॉर्ब यानी जो पेपर हमने लिया है उसको इस सोल्यूशन में एब्जॉर्ब करवा के ड्राई करके उसके स्ट्रिप्स बना दी जाती है और वो बच्चों को लैब में स्ट्रिप दी जाती है क्योंकि लिक्विड हो सकता है कि वेस्टेज हो लिक्विड का तो छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाकर दे दी जाती है बच्चे उसको यूटिलाइज़ करते हैं एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए अब यहाँ पर हमारे पास तो पर्पल कलर है फिर हम ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू कैसे चेंज करें तो बच्चों हम पर्पल ही ले सकते हैं पर्पल कलर को हम जब एसिडिक में डालेंगे तो हमने बोला है ब्लू टू रेड तो फाइनल कलर क्या होने वाला है एसिड के अंदर रेड यानी जो हमने लिटमस लिया है वो यहाँ पर रेड कलर का होगा और यहाँ पर रेड टू ब्लू यानी कन्वर्जन के बाद कौन सा कलर आने वाला है ब्लू तो यहाँ पर जब तक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस अपना रहेगा तब तक वो ब्लू कलर में रहेगा और यहाँ पर जब तक रहेगा वो रेड में रहेगा ये आपको ध्यान रखना है तो ये रेड हो गया अब इस रेड कलर को एक्चुअली हम पर्पल कलर की ना लेकर रेड और ब्लू की भी ले सकते हैं तो क्योंकि हम छोटे बच्चों को सेवन एट्थ स्टैंडर्ड में रेड या ब्लू की स्ट्रिप दी जाती है तो अब जब उस लिटमस ने या स्ट्रिप ने अपना कलर चेंज कर लिया है रेड कलर की वो बन गई है तो उस रेड स्ट्रिप को ड्राई कर दी जाती है जिससे वो रेड कलर की स्ट्रिप बन जाती है यहाँ पर वो ब्लू कलर की बन चुकी है तो उस ब्लू को ड्राई कर दिया जाता है जिससे ब्लू कलर की स्ट्रिप बन जाती है अब डायरेक्टली आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं या उसको पर्पल वाली को भी यूज़ कर सकते हैं पर्पल वाले दोनों में यूज़ कर लेंगे आप पर्पल को एसिड में भी डिप कर सकते हैं पर्पल को बेस में भी डिप कर सकते हैं लेकिन जब रेड वाली आप एसिड में डिप करेंगे तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड कलर की बन चुकी है तो वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगी और जो ब्लू वाली है वो ऑलरेडी ब्लू कलर की बन चुकी है तो वो बेस में कलर चेंज नहीं करेगी समझ में आ गया इसलिए रेड और ब्लू का कॉन्सेप्ट क्यों समझाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं पहले आप एक लाइन ये लिखिएगा कलर 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 ऑफ लिटमस इन एसिड इज क्या कन्वर्जन किया है हमने ब्लू टू रेड तो क्या रहेगा रेड आई ई ब्लू टू रेड यहां पे कलर ऑफ लिटमस इन बेसिक सोल्यूशन इज पहले आप ब्लू लिखिए ब्लू इसको मैं हाईलाइट कर देती हूं अब आप कर सकते हैं आई ई e, रेड टू रेड टू ब्लू तो यहाँ नहीं वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है बट यहाँ पर जो फाइनल कलर रहने वाला है वो ब्लू कलर रहने वाला है तो आप पर्पल से भी ब्लू बना सकते हैं और रेड से भी ब्लू बना सकते हैं अब इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आता है कि आपको एक ही सिंगल स्ट्रिप दी गई है उससे एसिडिक बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे कि एक में आपका एसियल एसिड है एक में एन है एक में बच्चों वाटर आपको स्ट्रिप एक ही कलर की दे दी जाएगी यानी वो रेड भी हो सकती है वो ब्लू भी हो सकती है इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे पहले इस टॉपिक को कम्प्लीट करते हैं तो ये हमारा हो गया लाइक एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में किस तरह से कलर चेंज करते हैं और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन है वो मैंने समझा दिए हैं तो आप एक बार इसकी स्ट्रिप्स यूज होती है वो भी आप नोट कर लीजिए अब देखते हैं कि लिटमस किस तरह से फाउंड होता है लिटमस मे बी और फाउंड नहीं बोलेंगे मे बी प्रेजेंट इन लैब मे बी प्रेजेंट इन लैब लैब मीन्स लेबोरेटरी फर्स्ट इन द Form of liquid and second in the form of paper strips. Paper strips. आर डेप इन लिटमस जूस एंड ड्राइड क्लियर तो ये दोनों टाइप से हो सकता है तो यहां स्ट्रिप्स भी होती है और लैब में जनरली बच्चों को स्ट्रिप्स ही दी जाती है तो ये हो गया हमारा लिटमस से रिलेटेड अब मैं बात कर रही थी कि आपको एक ही लिटमस की स्ट्रिप दे दी जाए और हमारे पास थ्री सोल्यूशनस यानी सोल्यूशन कैसे हम उनको इंडिकेट करें कि दैट इज़ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन आता है कई बार एन में या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है बाई एन एक्टिविटी यहां पर थ्री कंटेनर्स हैं इसमें बच्चों एक में वोटर देन एस सी एल एंड एनएच ये थ्री सॉल्यूशंस गिवन है तो थ्री सॉल्यूशंस हमें हमारे पास एक सिंगल लेट सपोज रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इज गिवन ये क्वेश्चन है एक तरह से और समझने के लिए है नोट्स कॉपी करने के लिए नहीं है आपका जो दिमाग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर करने के लिए रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप गिवन है आपको आपको चेक करना है तीनों सॉल्यूशंस को सिंगल स्ट्रिप्स से तो सबसे पहले आपने क्या किया आपने उसको वाटर में डिप किया ये मैंने स्ट्रिप बना दी यहां पर एंड दिस इज रेड रेड गिवन है तो ये मैंने इसको रेड कलर कर दिया है ठीक है ये रेड कलर की स्ट्रिप हमने बना ली है अब बच्चों इस स्ट्रिप को जब हम डालेंगे वाटर के अंदर नो no चेंज तो सबसे पहले आपने क्या किया वाटर के अंदर डाली तो इसमें होगा नो चेंज क्योंकि वाटर न्यूट्रल कह सकते हैं हम तो यहां चेंज नहीं होगा अब हमारे पास क्या है एसियल एसिड एसियल एसिड के अंदर क्योंकि रेड है एसियल एसिड ब्लू टू रेड करता है एसियल यानी एसिड जो है ब्लू टू रेड करता है तो रेड वो करता है बट स्ट्रिप तो ऑलरेडी रेड के अंदर है तो ये भी यहां भी होगा नो चेंज क्लियर अब यहां पर एनओएच होगा तो एनओ के अंदर जैसे ये डाली जाती है तो यहां पर रेड है ये हो गई आपकी रेड से ब्लू। ठीक है तो सीधा सीधा समझ में आ गया रेड से ब्लू ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन। अभी बच्चों ये हाइड है यानी आपको पता नहीं है ये एन है यह एस है या वोटर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि वोटर है एस है एन था अब हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया ये सॉल्यूशन हमारा एन एच है क्योंकि बच्चों को सॉल्यूशन दिया गया है तो लेबल लगा के नहीं दिया जाएगा तो आपको इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है सिंगल स्टिप से कि तीनों सॉल्यूशन कौन कौन से हैं दैट इज़ क्लियर अब हमको ये पता चल गया कि ये एन है दैट इज़ एन एच यानी बेसिक सोल्यूशन हम लिख सकते हैं या एन्य ओच हम डाल सकते हैं तो ये हमें पता चल गया है तो इसको तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए क्लियर अब हमारे पास है बीकर वन एंड बीकर टू तो इसमें भी रेड है नो चेंज इसमें भी रेड है नो no चेंज तो अब हम क्या करें कि कौन सा सॉल्यूशन वाटर है कौन सा एसिड है तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा यहाँ पर स्ट्रिप आपने डाली थी और वो स्ट्रिप का कलर क्या हो गया आपका ये स्ट्रिप थी थोड़ी सी लंबी कर लीजिए एंड नाउ कलर क्या चेंज हुआ है रेड से ब्लू तो ये हमारा कलर आपको दिख रहा होगा इसका कलर चेंज हो गया है सोल्यूशन के अंदर ये हो गई हमारी रेड टू ब्लू क्लियर अब हमारे पास ब्लू कलर की स्ट्रिप नहीं थी तो हमें कहाँ से मिल गई यहाँ से स्ट्रिप मिल गई अब इस स्ट्रिप को उठाइए और डालिए इसके अंदर यहाँ पर जो ब्लू कलर की स्ट्रिप थी वो क्या होगी यहाँ मैं इस तरह से डालती हूँ ये ऊपर का आप कलर ब्लू कर लीजिए और यहाँ पर बच्चों नीचे का जो कलर है दैट इज रेड ये हो गया रेड क्लियर इसका मतलब क्या हुआ ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गया क्योंकि ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो गई अब यहाँ चले हम इसको यहाँ डालेंगे अब मैंने देखो इस जो स्ट्रिप है मेरी इसको हाफ ब्लू और हाफ रेड कर रखा है इसका मतलब आप स्ट्रिप को इधर से डालें या उधर से डालें दोनों साइड से चेक कर सकते हैं और जब दोनों साइड से चेक करेंगे देर इज नो चेंज अगेन और नो no चेंज है इसका मतलब ये कलर ये जो सॉल्यूशन आपके पास बचा है दैट इज़ वाटर तो इस तरह से आप तीनों सॉल्यूशन को चेकआउट कर सकते हैं क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इसको कर देती हूं कि नोट्स के लायक नहीं है ये समझने के लिए था तो आपको किस तरह से आप एक स्ट्रिप से तीनों सोल्यूशन को चेक करें अब हम चलते हैं बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के ऊपर क्योंकि हमारा वो टॉपिक रह गया है तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल इंडिकेट करते हैं तो नेक्स्ट इज Factory Indicator All factory which change their order or order intensity. Indicators Indicators which change their स्मेल और स्मेल इंटेंसिटी या तो स्मेल कंप्लीटली चेंज हो जाएगी या उसकी इंटेंसिटी का मतलब है कि वो फास्ट या स्लो पहले से तेज या पहले से कम आना स्टार्ट हो जाएगी क्लियर अब इसके अंदर जो एग्जांपल है बच्चों वो ध्यान रखना आपको क्योंकि इसको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है यहां पर ऑल फैक्ट्री में आएंगे क्लोव ऑयल अनियन एंड वनीला ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो अब मैं आपको दो जो अनियन और वनीला का है वो आपको बता देती हूं क्लोव ऑयल का भी वही होता है यहां पर आप डाल सकते हैं अनियन स्मेल ये आपका एसिड और ये हो गया बेस यहां पर आप डाल लीजिए वनीला अब एसिड और बेस में क्या चेंज होता है बच्चों एक, एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी गिवन है आपके एनसीआरटी बुक में भी गिवन है कि अनियन को हम किसी चॉप करके किसी पॉलीबैग में रैप करके या क्लोथ में रैप करके रात भर के लिए उसको रख देते हैं then in the morning we wash it with the acidic solution and basic solution. तो एसिडिक सॉल्यूशन में वॉश करने के बाद जो स्मेल है वो अनचेंज रहती है यानी उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्लॉथ या जो आपने पॉलीबैग लिया है उसके अंदर अनियन की स्मेल आ रही है या फिर वनीला की स्मेल आ रही है बट जब इसी को स्ट्रॉन्ग यानी एनियोच बेसिक सोल्यूशन से वॉश किया जाता है तो यहां पर हम अनियन की स्मेल या वनीला की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते दैट मीन्स दैट इज वेनेस्ट बाय द बेसिक सोल्यूशन तो एसिडिक सोल्यूशन में वो एज इट इज होगी और बेसिक सोल्यूशन में वो डिटेक्ट नहीं हो पाती ये मैंने उस एक्टिविटी का जो एम है वो समझा दिया है तो द स्मेल स्मेल कान डिटेक्ट इसमें भी सिमिलरली यही होगा स्मेल कान डिटेक्टेड एसिडिक सॉल्यूशन में सॉरी उल्टा कर दिया है मैंने कैन बी डिटेक्टेड करना इसको कैन बी डिटेक्टेड कैन बी डिटेक्टेड और बेस में यहाँ पर कैन नॉट डिटेक्टेड इसमें भी कैन नॉट डिटेक्टेड तो ये मेजर इंडिकेटर्स हमने कर लिए हैं आप इनको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स में से क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी आता है एन में भी आ ही जाता है इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये इंडिकेटर्स चैप्टर का दैट्स ऑल